हिमालय पर्वत के बाद हिमालय श्रृंखला के बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान हमने पढ़ा था। तीसरा टॉपिक हमारा जो है वो है भारत का राइट रिव्यू। देखिए पठार, पठार की बात करें जिसकी ऊंची 500-600 मीटर, जिसकी हाइट ज़्यादा हो तो पर्वत, जिसके दोनों बीच का हिस्सा समतल और किनारे ढालू नुमा वो होता है पठार। पठार से नीचे होता है मैदान और मैदान से भी नीचे होता है ये गढ़। ये तीनों संरचना हो गई। पर्वत हम पढ़ चुके हैं, मैदान हम पढ़ चुके हैं, अब हमारा टॉपिक क्या है पठार। प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो ये जो हमारा पेंजिया था, पेंजिया के दो टुकड़े बताए थे, एक तो लॉरेशिया और दूसरा था गोंडवाना। तो गोंडवाना लैंड का ही जो उत्तर की ओर प्रवाह हुआ था और भारत का जो दक्षिण हिस्सा है, दक्षिण भारत का जो ये हिस्सा है भारत का पठारी भाग, किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। तो इसका मतलब ये भी कठोर संरचना होगी। अब इसके बाद अगर हम इसमें बात करें कि अगर हमें पठार पढ़ना है भारत का, तो भारत का पठार को हम सामान्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो गए पठार, पहली चीज पठारी संरचना। अब पठार में क्या आ जाएंगे? सबसे पहला अपना आ जाएगा मालवा का पठार, ठीक है। दूसरा इसके बाद अपना यूपी सेट हो दक्कन का पठार, तीसरा बघेलखंड, चौथा बुंदेलखंड का पठार, पांचवा कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिलांग का पठार। जो मुख्य मुख्य पठार हैं उनके नाम तो हम बता ही देंगे। मालवा हो गया, दक्कन का पठार हो गया, बंगेलखंड हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, दंडकारण्य हो गया, शिलांग का पठार हो गया। तो ये मुख्य पठारी संरचना जो हमें इसमें पढ़नी है। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार सिर्फ पठार नहीं है, इसमें क्या आ जाते? पर्वत श्रेणियां भी, पर्वत श्रेणियां प्लस क्या है अपने घाट भी, ठीक है। अगर मैं घाट की बात करूं तो घाट तो हमारे दो हो जाएंगे, एक तो पश्चिमी घाट और दूसरा पूर्वी घाट, ठीक है। ये अलग से पर्वत श्रेणियों की बात करें तो इसका विस्तार अगर बात करें तो अरावली, अरावली पर्वत, दूसरा विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा, ठीक है। इसमें आपकी हरिश्चंद्र की पहाड़ियां भी आ जाएंगी, पहाड़ियां बालाघाट की पहाड़ियां, ठीक है। अच्छा, इसके आगे अगर अपन चलें, क्योंकि पूरे दक्षिण भारत की बात करें तो अन्नामलाई की पहाड़ियां, नल्लामलाई की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, ठीक है। आपकी अन्नामलाई, सरिश्चंद, बालाघाट हो गया, आपकी सतपुड़ा हो गई, इनके आगे के इसके डिवीज़न तो अपन पढ़ ही लेंगे कि कौन कौन सी आ जाएंगी इसमें पहाड़ियों में। इसके अलावा अगर पहाड़ियों की बात करें तो कुछ अन्य पहाड़ियों को अगर ऐड करना चाहें हम तो उसमें भी कई पहाड़ियाँ हमारी आ जाएंगी। जैसे विंध्याचल को भी आगे तक ले लें हम तो वहाँ की पहाड़ियाँ ऐड हो जाएंगी। इसके अलावा अगर हम सतपुड़ा की बात करें तो उसमें दो तीन पहाड़ियाँ और ऐड हो जाएंगी। तो इसको हम विस्तृत रूप से आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन जो मुख्य मुख्य पहाड़ी हैं जैसे जाबदी की पहाड़ियाँ हैं, पालनी की है, कार्डमम हिल है, नीलगिरी पर्वत है, तो वो सारे हम इसी के अंदर पढ़ेंगे।
तो ये तो एक हो गया वर्गीकरण कि अगर पठार को हमें पढ़ना है तो हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है कि एक तो पठारी संरचना पढ़नी है, एक पर्वत श्रेणी पढ़नी है और तीसरा हमें घाटीय संरचना पढ़नी है। ये हो गई इसमें पाई जाने वाली चीज़ें कि किसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले प्रायद्वीप में पठार का निर्माण कैसे हुआ, मैंने आपको बताया ही था कि जब गोंडवाना लैंड का हिस्सा टूटकर उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा था तो प्रवाहित होकर वो भारत में जाके अटैच हुआ और भारत में जाके अटैच होने से जो भारत का दक्षिणवर्ती भाग है उससे किसका निर्माण हुआ, अपने प्रायद्वीपीय पठार का। तो अगर हम इसकी बात करें तो आकृति कैसी है इसकी, इसकी आकृति की बात करें तो ये आकृति है इसकी त्रिभुजाकार। कैसी आकृति, त्रिभुजाकार। और अगर विस्तार की बात करें, मैंने आपको डिवीजन में बता ही दिया कि विस्तार कहाँ से कहाँ से, आप क्या बात करें उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में अरावली, अरावली पर्वत से, अरावली पर्वत ले पर्वत व दिल्ली तक, दिल्ली रेस के नाम से जानी जाती है दिल्ली रेस, दिल्ली व अगर पूर्व की बात करें पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, पश्चिम में गिर पर्वत से लेकर दक्षिण में, दक्षिण भारत की अभी मैंने आपको जो बता रही थी अन्नामलाई वहाँ तक का पूरा आपको पूरा उसमें बताया था कार्डमम हिल्स तक का, तो दक्षिण में हम कार्डम इलायची की बात करें, इसका फैलाव है। तो कहाँ तक हो गया, उत्तर पश्चिम की बात करें। अब भारत की संरचना की अगर बात करते हैं कि भारत की संरचना कैसी है तो उसमें दिखाएंगे कैसे, ये हमारी भारत की संरचना। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें कि हमें इसका विस्तार बताना है तो पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है, मैंने कहा था ना त्रिभुजों का आकृति, आकृति त्रिभुज माने, तो इस रूप में ये फैला हुआ है हमारी पठारी संरचना। क्योंकि इसमें उत्तर पश्चिमी की बात करिए तो यहाँ क्या आ जाएगी अपनी अरावली, ये उत्तर है और ये क्या है पश्चिम, लेकिन पूरी तरह पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है। और पश्चिम की बात करें तो यहाँ क्या आ गया गिर पर्वत, ये कौन सा क्षेत्र हो गया हमारा गुजरात, ये अपना हो गया राजस्थान वाला क्षेत्र, ठीक है। पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां पर, तो ये पूरा पठारी संरचना छोटा नागपुर का पठारी वाले, तो यहाँ राजमहल, राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। अब दक्षिण में इलायची की पहाड़ी, ये इलायची की पहाड़ी। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो इसका विस्तार जो पर्वत श्रेणियों के अकॉर्डिंग है, तो हमने अरावली, राजमहल, गिर पर्वत और इलायची की पहाड़ियों की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको दो भागों में पठार बांटे थे, एक तो पठार और दूसरे बांटे थे पर्वत, और एक तीसरी संरचना और ली थी घाट या तट, तो वो हम सारी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम पढ़ना चाहें तो हम पर्वत श्रृंखला भी पढ़ सकते हैं, पठार भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अगर इस क्षेत्र की, तो ये किससे बना हुआ है, ये पूरा क्षेत्र जो है अगर बात करें गोंडवाना लैंड का भाग है, त्रिभुजाकार आकृति है। इसके अलावा जो इसमें ज़्यादातर आपको चट्टानें मिलेंगी वो कौन सी चट्टानें मिलेंगी, बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टानें। तो सबसे पहले हम इसमें पर्वतों की संरचना की बात कर लेते हैं, ये तो हो गई इसकी आकृति।
अब बात करते हैं कि कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ कहाँ कहाँ हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जो बनी हुई है उनको तो हम बनी रहने देते हैं। अब इसमें जो पर्वत श्रेणी है मुख्य रूप से अरावली हुई के अपने राजस्थान की, इसके अलावा विंध्याचल। विंध्याचल अपने आप में एक श्रेणी ना होकर चार, 1, 2, 3, 4, ये तो हो गई हमारी विंध्याचल प्राचीन पर्वत श्रेणी, ठीक है। इसके नीचे आ जाती है अपनी सतपुड़ा, 1, 2, 3, इसमें भी सतपुड़ा में तीन, तीनों के नाम पढ़ेंगे। फिर यहाँ आ जाती है ये हरिश्चंद्र की पहाड़ी, और यहाँ पे बालाघाट की पहाड़ी, ठीक है। यहाँ आ जाएगी अजंता, नहीं जब पढ़ेंगे तो सारी पहाड़ियों को पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसके अलावा ये जो पहाड़ी है सतपुड़ा को तीन भागों में बांटा गया है। सतपुड़ा की पहाड़ी, इसका नाम है महादेव की पहाड़ी, ठीक है। किसकी पहाड़ियाँ ये? महादेव की पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा ये हमारे घाट तट के लिए हम लेंगे, ये सहयाद्री वाला क्षेत्र हो गया, ये हमारी हो जाएगी पश्चिमी घाट, या इसको एक और नाम कहते हैं सहयाद्री। ये हमारा हो जाएगा कौन सा? पूर्वी घाट, ठीक है। अरावली राजमहल हो गए, ठीक है। इन पहाड़ियों के अलावा अन्य पहाड़ियां जो हम जैसे बनाएंगे उसमें आएंगी हमारी इसका बता ही दिया था। इसके अलावा विंध्याचल एक श्रेणी नाव के चार है, विंध्याचल, दूसरी भंडारे, तीसरी हमारी कैमूर और चौथी पारस नाव है। तो ये हमारी विंध्याचल एक श्रेणी नाव होकर पूरी यहाँ से लेके राजस्थान की अगर बात करें तो वहाँ तक चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र से लेके बिहार के सासाराम तक इसका विस्तार है विंध्याचल का, लेकिन एक नाव के टुकड़ों में है जिसमें चार है, विंध्याचल है, भंडारे है, कैमूर है और अपनी पारस नाव है। अगर सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा भी इसके तीन पार्ट है, सतपुड़ा, महादेव की पहाड़ियाँ और मैकाल की पहाड़ियाँ। अगर मध्य भारत की बात करें, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो धूपगढ़ है, 1350 मीटर ऊंची है, ठीक है, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। और अगर सेकंड पूछी जाए तो वो है मैकाल पर्वत में अमरगंटक की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 1065 मीटर है, जो कि कहाँ पाई जाती है? अनूपपुर जगह है एमपी में, वहाँ पे इसका, और यहीं से आपका दुग्धधारा जलप्रपात भी प्रवाहित होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो कैमूर की पहाड़ी है, वहाँ पे कैमूर की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें पारसनाथ की पहाड़ियों में, यहाँ पे पारसनाथ की पहाड़ी है। पारसनाथ की पहाड़ी है जो फेमस है वो जैन के लिए, जैन के जो 20 तीर्थंकर हैं उनको सभी को यहीं पे शिक्षा और ज्ञान प्राप्त हुआ था, और इसके 23वें तीर्थंकर महाराज पार्श्वनाथ ने तो यहीं पूरा अपना स्थल बनाया था। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1350 मीटर इसकी हाइट है, और इसके पर्टिकुलर जगह है झारखंड के गिरिडीह जिले में, तो जैनों के लिए बहुत फेमस जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विंध्याचल पर्वत हमने बात ही कर ली कि विंध्याचल एक है, यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर बहुत अच्छा पाया जाता है, सैंडस्टोन की स्थिति देखी जाती है, तो यहाँ पे खनिज संसाधन की दृष्टि से तो नहीं कहेंगे, हाँ इमारती पत्थर, लाल बलुआ पत्थर इमारतों में काम आने वाले पत्थर के रूप में काम आता है। इसके अलावा धूपगढ़ चोटी जो है इसी के पास मध्य भारत का आपका भ्रमण है, मतलब बहुत स्वास्थ्यवर्धक केंद्र धूपगढ़ के पास ही पड़ता है पंचमढ़ी, बहुत ही खूबसूरत जगह घूमने के लिए स्वास्थ्यवर्धक। देखिए ज़्यादातर तो सब उत्तर भारत में शिमला, मसूरी, नैनीताल जाते हैं, लेकिन एमपी में जो जगह है वो पंचमढ़ी है। किसके पास पड़ती है वो? आपके धूपगढ़ के पास। बहुत अच्छा खूबसूरत हरियाली भी है, ठंडक, इतनी हाइट पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है ठंडक रहेगी। तो ये तो हो गई भारत को दो भागों में, मैंने विंध्याचल और सतपुड़ा, देखिए विंध्याचल और सतपुड़ा भारत को दो भागों में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत मतलब आर्य संस्कृति हिस्ट्री का, और दक्षिण भारत मतलब द्राविड़ियन संस्कृति। तो संस्कृति और इसके दक्षिण में
हमारी द्राविड़ियन संस्कृति। तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी एक क्वेश्चन कवर होता है हमारा कि कौन सी श्रेणी कहाँ है। सबसे पहले इन पर्वत श्रृंखलाओं में हम अरावली की बात करते हैं। तो अरावली पर्वत श्रृंखला का 550 किलोमीटर का हिस्सा तो राजस्थान में पड़ता है, वैसे 650 है, और अगर टुकड़ों को भी जोड़ें तो 800 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है। गुजरात से अगर बात करें, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली में दिल्ली रिज के नाम से, रायसीना के नाम से ये जानी जाती है, पूरी फैली हुई है। ये प्राचीन वलित अवशिष्ट पर्वत है, प्राचीन काल में वलित होगा लेकिन वर्तमान में घिस घिस के ये परिवर्तित होके ये अवशिष्ट पर्वत का अगर पूछा जाए वर्तमान में सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत कौन सा है तो अरावली पर्वतमाला है। अगर खनिजों की दृष्टि से देखें तो खनिजों की दृष्टि से एक अजायब घर है, बहुत सारे खनिज धात्विक अधात्विक जो कि इसमें पाए जाते हैं। तो इसलिए राजस्थान की दृष्टि से भी आप चाहें तो राजस्थान का जीके अगर कवर हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने इस बुक के अकॉर्डिंग देखें तो अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के रायसीना के प्राचीन मोड़दार अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है। राजस्थान अगर बांगर चेन्नी तो बीच में केंद्रीय उच्च भूमि का काम करता है। उच्च भूमि मतलब ये एक तरीके से जल विभाजक है। इस अरावली के इधर 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है और इस अरावली के इधर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो एक तरीके से ये जल विभाजक का भी काम करता है। उत्पत्ति की बात करें, अरावली की उत्पत्ति अगर उत्पत्ति की बात करें तो ये हुई है प्री कैंब्रियन का। मैंने आपको जब आप जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर करा रही थी तो उस काल में उसमें मैंने आपको ये मेंशन किया था प्री कैंब्रियन में काल में हुई थी। अगर इसकी आयु की बात करें तो 570 इसकी आयु भी अगर निकालने दें कि प्री कैंब्रियन काल है तो 570 मिलियन वर्ष। तो ये हो गया अरावली किस काल में आई है, प्री कैम्ब्रियन काल में। आयु कितनी है, 570 मिलियन वर्ष पहले की मानी जाती है। जल विभाजक है, मैंने कहा जल विभाजक का कैसे काम करती है, जल विभाजक भारत की 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा निकलती है, जो कि यहाँ तो इसके पूर्व की ओर उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर तो 50 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी, उत्तर पश्चिम की ओर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। इसी वजह से यहाँ पे मरुस्थलीय संरचना देखने को पाई जा रही है। अगर इस क्षेत्र के अलावा भी अगर इस क्षेत्र की मैं बात करूँ अरावली के अलावा भी, तो यहाँ से निकलने वाली प्रमुख नदी है लूनी नदी। लूनी नदी अजमेर के नाग पर्वत से, नाग पर्वत है वहाँ से, अजमेर के नाग पर्वत से ये निकलती है और ये निकलते कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो एक तरीके से अंतःप्रवाही नदी है, बारिश का पानी बढ़ जाता है तो ये आगे तक अरब सागर में जाएगी लेकिन ये जहाँ तक कच्छ के रण में ही क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो ये एक तरीके की अंतर्प्रवाही नदी है। तो एकमात्र नदी जो अरावली के क्षेत्र से निकलती है वो कौन सी है, हमारी लूनी नदी है, इसकी सहायक नदियों में भी ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसकी सहायक नदियों की तो सूखड़ी है, जावाई है, ये सारी इसकी सहायक नदियों में आ जाती है लूनी की महत्वपूर्ण। इसके अलावा खनिजों की बात करूं तो आपका देखिए झुंझुनू वाला क्षेत्र, क्योंकि हम राजस्थान में तो हमें पता होना चाहिए राजस्थान का जो झुंझुनू वाला क्षेत्र है, खेतड़ी में तांबा मिलता है ठीक है। इसके अलावा जस्ता है, सीसा है, ये सारे जो मुख्य खनिज पदार्थ है वो यहाँ मिलते ही हैं। अभ्रक है, चूना पत्थर है, इसके भंडार यहाँ पे हैं ही। अगर इसकी मैं बात करूँ सर्वोच्च पर्वत शिखर तो आबू में वो पड़ता है गुरु शिखर 1722 मीटर। अब कई जगह कहेंगे कि 1727 है, देखो 1722 तो पर्वत की ऊंचाई है और जो 5 मीटर है इसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, मंदिर दत्तात्रेय जी का, तो दोनों को मिला के 1727 मीटर हाइट हो जाती है लेकिन वास्तविक ऊंचाई 1722 मीटर की है। तो ये हो गई हमारी अरावली पर्वत वाला की बात हो गई। अब बात करते हैं हम अपनी विंध्याचल की। अगर आप बात करें तो विंध्याचल मैंने आपको बताई दिया सतपुड़ा और विंध्याचल के बारे में। तो एक तरीके से विंध्याचल जो है वो कहाँ कहाँ फैली हुई है, अगर इसकी बात करें विंध्याचल की कहाँ से कहाँ तक है पूरा क्षेत्र, अगर आप इसको यहाँ से लेके, मैंने चार पार्ट किए, विंध्याचल है, भंडारे है, इसके अलावा आपकी कैमूर है, और ये पारसनाथ की जो मतलब राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र है, इसमें पारसनाथ की चोटी है। ये वाली क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो इसमें देखिए एमपी आ गया, ये वाला क्षेत्र एमपी का आ गया, उत्तर प्रदेश भी इसमें आ गया,
उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार वाला पार्ट यहाँ तक ऊंचाई पे जा रही है, तो ये बिहार वाले पार्ट को कुछ हिस्सा कवर करती है, और छत्तीसगढ़ ये वाला हिस्सा छत्तीसगढ़ का कवर करती है। तो चार राज्य कवर कर रही है, MP, UP, छत्तीसगढ़ और बिहार वाला। लेकिन इनके नाम बदल जाते हैं, जैसे गुजरात का कुछ छोटा सा पार्ट ही जहाँ आती है, तो इसको यहाँ पे जोबट इन विंध्याचल को विंध्याचल की पहाड़ी को गुजरात में क्या कहते हैं, जोबट। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इसी का नाम अगर मैं वहां पे बिहार में कैमूर वाला क्षेत्र किसमें आ गया, बिहार वाले क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। नर्मदा घाटी, विंध्याचल के नीचे नर्मदा घाटी एक भ्रंश घाटी, भ्रंश में से बहके लेती है, इसी वजह से भ्रंश में बहने के कारण बजाय इसका ढाल उत्तर दक्षिण पूर्व या उत्तर दक्षिण की ओर ना होकर इसका कहाँ हो जाता है, अरब सागर की ओर इनका। जैसे नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियाँ जो भ्रंश घाटी में होकर बहती है, इसी कारण इनका ढाल कहाँ है, किधर की ओर है, पश्चिम की ओर है, ना कि पूर्व की ओर। बंगाल की खाड़ी की ओर ना होकर कहाँ है, अरब सागर की ओर इनका ढाल होता है। तो इसमें सबसे मैंने आपको चोटी बताई दी थी पादरसनाथ की चोटी जो गिरिडीह जिले, इसके अलावा लाल गरुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, और खनिज संसाधन इस श्रेणी में ज़्यादा नहीं पाए जाएंगे अगर मैं बात करूँ मध्य वाले क्षेत्र में। दूसरी हमारी सतपुड़ा, सतपुड़ा के बारे में थोड़ी सी बात करें, भारत के बिल्कुल मिडिल, विंध्याचल थोड़ी ऊंची है लेकिन बिल्कुल मिडिल में हमारी सतपुड़ा आ जाती है। तीन भाग बनाई गई थी, सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ हो गई, अमरकंटक हो गई, इसके अलावा नर्मदा, और मैंने कहा था इसकी अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का और सोन नदी का उद्गम भी होता है यहीं से। ये एक ब्लॉक पर्वत है, बस ये ध्यान रखना कि ये जो पर्वत है सतपुड़ा कैसा पर्वत है, सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत, ये क्वेश्चन आ चुका है आगे से ब्लॉक पर्वत, ठीक है। तो सतपुड़ा कैसा पर्वत है, अपने आप में ब्लॉक पर्वत है। तो ये हो गई हमारी अरावली हो गई, विंध्याचल हो गई, सतपुड़ा हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें पारसनाथ हिल, मैंने आपको बताई थी, तो जो पारसनाथ हिल है हमारी अगर एक्चुअल में बात करें किस हजारीबाग पठार पे पड़ता है, किस वाले पठार पे पड़ती है, हजारीबाग पठार के पास इसकी पड़ती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि किस पठारी चले, तो अगर कहेंगे कि मैडम ये कहाँ पे, तो छोटा नागपुर का जो पठारी भाग है ये वाला, यहाँ छोटे नागपुर के हम जब पठार का डायग्राम बनाऊंगी तो उसमें भी मेंशन कर दूंगी, क्योंकि अभी सिर्फ मैं पर्वतश्रेणी बता रही हूँ, इस वजह से मैंने उसको मेंशन नहीं किया, ठीक है। इसके अलावा आपकी और पहाड़ियों की बात करें, इसमें है हमारी हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ या बालाघाट की पहाड़ियाँ, इनकी अगर हम चर्चा करें तो देखिए इनमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपको हरिश्चंद्र की पहाड़ी, सतपुड़ा के बाद अगर सबसे बड़ी श्रेणी अजंता छोटी है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र, हरिश्चंद्र की पहाड़ी की बात करी जाए तो ये पश्चिमी घाट का हिस्सा, ये जो पश्चिमी घाट है ना इसी का ये हिस्सा है। ध्यान रखिएगा अगर हरिश्चंद्र की पहाड़ी पूछा जाए किसका हिस्सा है, तो पश्चिमी घाट का हिस्सा है एक तरीके से, ठीक है। कहाँ पे अगर पड़ेगी तो पूना, महाराष्ट्र में एक जगह है पूना वहाँ पे पड़ती है, पूना के उत्तर में विस्तृत है, और एक तरीके से कृष्णा और गोदावरी दो नदियाँ उनके बीच जल विभाजक का काम करती है, किसके बीच, विभाजन का किसका, दो नदियों को मिलाकर दोनों ही डेल्टा में बनाया है। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे, आपकी यहाँ पे है शेवराय की पहाड़ियाँ, ठीक है, जावेदी की पहाड़ियाँ, शेवराय हो गई और जावेदी, ये दोनों ही आर्कियन युग की चट्टानें, ध्यान रखिएगा। मैं आपको पहले ये टॉपिक करा चुकी हूँ, आर्कियन युग की है ये भी और शेवराय भी आर्कियन युग की चट्टानें, दोनों आर्कियन युग की चट्टानें, दोनों कहाँ पे हैं, दोनों ही ये भी तमिलनाडु में है और ये भी तमिलनाडु,
क्षेत्र भी पता होना चाहिए, किस युग की हैं, कैसी हैं, ये दोनों आपकी बात होगी। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, अगर खनिज संसाधनों की दृष्टि से बात करें तो यहाँ दोनों ही जगह एल्यूमिनियम बहुत अच्छा पाया जाता है। तो खनिज संसाधनों में अगर बात पूछी जाए तो एल्यूमिनियम की अच्छी प्रचुर मात्रा यहाँ पे पाई जाती है। लेकिन इन क्षेत्रों पे क्या है, पहले बहुत वनस्पति थी, काट दिए गए हैं, तो पारिस्थितिकी खास भौक हुआ है, बहुत विनाश हुआ है। तो इस समय गवर्नमेंट का ध्यान है कि यहाँ पे दोबारा से इसको डेवलप किया जाए। अगली अपनी आ जाती है ये नालकोंडा की पहाड़ी, तो वही है अपनी नालकोंडा की। नालकोंडा की अगर पहाड़ियों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में पड़ती है। कहाँ? आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा क्योंकि जगह भी पता होनी चाहिए। नालकोंडा की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है हमारी? आंध्र प्रदेश में गुंटूर और प्रकाशम। अगर जगह भी पूछी जाए गुंटूर और प्रकाशम जिले हैं वहाँ पे प्रॉपर पड़ती है, ठीक है, नालकोंडा की पहाड़ियाँ। पूर्वी हट का हिस्सा है ये, अगर पूछा जाए किसका, जैसे मैंने आपको कहा था हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा है, उसी तरह आपकी नालकोंडा की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का ही हिस्सा है, ठीक है। गुंटूर और प्रकाशम आपको ये ध्यान रखना है, आजकल छोटी छोटी है। इसके निचले भाग में कुडप्पा क्रम की चट्टानें, ये टॉपिक हम कर चुके हैं इसीलिए वो रिपीट हो रहे हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं इसमें। अगर कुडप्पा आ गया तो लोहा आ गया, मैग्नीज आ गया। तो अगर खनिज संसाधनों की दृष्टि से लोहा है, मैग्नीज है, अभ्रक है, बॉक्साइट है, इसके अलावा स्लेट, ये भी यहाँ पाई जाती है। तो अगर मैं इनसे पूछूं कि नालकोंडा में कौन सी पाई जाती है तो लोहा है, अभ्रक है, बॉक्साइट है, स्लेट है, ये आपको मेंशन करनी है खनिज संसाधनों की दृष्टि से। बोलें पंचमलाई की बात करें तो ये भी तमिलनाडु में आती है, ऑब्वियसली तमिलनाडु, तमिलनाडु का क्षेत्र चल रहा है, तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ी है, ठीक है। यहाँ से कुलार और बिलिंड नदियाँ मानसूनी वनों से ढका हुआ बहुत अच्छा घना सा है, लिग्नाइट किस्म का कोयला, अगर ये पूछा जाए तो लिग्नाइट कोयले के भंडार है। आपको देना है नवेली संयंत्र तमिलनाडु का, वो इसी जगह है पंचमलाई के क्षेत्र में, और यहीं पे लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, इसी वजह से यहाँ पे वो संयंत्र लगाया गया है। नेक्स्ट हो जाती है हमारी नालकोंडा के बाद ये पालकोंडा की पहाड़ियाँ हैं। ये देखिए ये हमारी पालकोंडा, ये तो हो गई नालकोंडा और ये वाली हो गई हमारी पालकोंडा की पहाड़ी। ये कहाँ पे? ये भी आंध्र प्रदेश में, नालकोंडा पालकोंडा, कोंडा कोंडा याद रखिएगा, ये दोनों ही आंध्र प्रदेश में। पूर्वी घाट का हिस्सा है, धातु और खनिज की गए, ढलानों पे बहुत सघन बने हैं इसमें भी। जनजातियाँ बहुत रहती है, जनजातियों के लिए अच्छा है, ढाल पर ढाल पहाड़ी डाल सिलनुमा खेती भी की जाती है इस क्षेत्र में, ठीक है। अगली बात करें हम अपनी तो हमारी अन्नामलाई की पहाड़ी। देखिए ये इलायची की पहाड़ी है, इलायची होती है, चेरी होती है, यहाँ पे कॉफ़ी बहुत होती है, गरम मसाले होते हैं, ये केरल वाली क्षेत्र की मैं बात कर रही हूँ। तो नीलगिरी के दक्षिण में ये ना, यहाँ नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी के दक्षिण में ये वाला हिस्सा हमारी कौन सी है? हमारी अन्नामलाई की पहाड़ी, ये वाली अन्नामलाई की पहाड़ियाँ केरल में है। और इसकी अनाईमुडी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, जिसकी हाइट है 2695 जीके का क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी 2600, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350, उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कंचनजंगा। केटू मैंने आपको पीओके वाला, तो अपनी कंचनजंगा वाली आ जाएगी, तो ठीक है तीनों अपनी हो ही गई। इसके अलावा ये वाला क्षेत्र आपका अनाईमुडी, यहाँ पे ये आपके अनाईमुडी मानसूनी बने वनों से ढकी रहती है, यहाँ पे भी वही गर्म मसाले वाला क्षेत्र। इलायची की पहाड़ियाँ बात करें तो पश्चिमी घाट का ही विस्तार है, मैंने जैसे यह हरिश्चंद्र है ऐसी इलायची की पहाड़ियाँ भी क्या है, पश्चिमी घाट का ही विस्तार है, ठीक है। ये पहाड़ी केरल और तमिलनाडु दोनों में पड़ती है, ध्यान रखना ऐसे घूम के आती है, केरल और तमिलनाडु दोनों को कवर करके चलती है। ज़्यादातर यह पहाड़ी मसालों के लिए, और मसालों में भी बड़ी वाली इलायची जो अपन गर्म मसाले में डालते हैं उस वाली इलायची के लिए प्रसिद्ध है। कुछ पुरानी की जनजातियाँ बहुत निवास करती हैं इस क्षेत्र में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी, इसमें भी हमारी एक सबसे ऊंची चोटी इधर पड़ जाती है, वो है दोदा, नीलगिरी पर्वत, दोदा बेटा चोटी, जिसकी हाइट है 2637 मीटर, नीलगिरी पहाड़ी दोदा बेटा। और यहाँ पे टोडा जनजाति, दोदा बेटा टोडा जनजाति, ये दोनों मिले जुले हुए हैं। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, और यहाँ पे टोडा जनजाति पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हमें
मैंने राजमहल की पहाड़ियाँ देखी, मैंने बारासान चोटी बताई थी, तो ये यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, राजमहल की पहाड़ी उसी का भाग है आगे। ठीक है, तो राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र, इसका ध्यान रखिए। मेरे भी कई बार पूछा गया कि राजमहल की पहाड़ियाँ बेसाल्ट से बनी है, किससे बनी है, बेसाल्ट, इसका मतलब लावा, ज्वालामुखी क्षेत्र का बेसाल्ट से निर्मित है, तो काली मिट्टी पाई जाएगी, ये आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे कोयला, छोटा नागपुर आ गया तो कोयला है, तांबा है, लोहा है, मैंगनीज है, ये यहाँ पे बहुत अच्छा पाया जाएगा। ठीक है, छोटा उत्तर नागपुर के उत्तरी पूर्वी भाग में, ये पश्चिम में नहीं उत्तर पूर्वी भाग वाले भाग में ये पाई जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई अजंता, मैंने आपको सतपुड़ा के नीचे अजंता बताई थी, ताप्ती नदी के दक्षिण में। देखिए विंध्याचल और इसके बीच में तो आती है नर्मदा, विंध्याचल और सतपुड़ा, सतपुड़ा से नीचे आ जाती है ताप्ती, तो अजंता और सतपुड़ा के बीच में आ गई ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी के दक्षिण में जो पर्वत श्रृंखला पड़ती है वो कौन सी है, हमारी अजंता। यहाँ गुफाएं बहुत हैं, भित्ति चित्रकाली की, प्राचीन काल की, गुप्तकालीन, अगर पूछा जाए तो अजंता में गुप्तकालीन, ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, किस काल की, गुप्तकालीन भित्ति चित्रकारी। चित्रकारी की आपको देखने को मिलेगी, बहुत पर्यटक आते हैं और थोड़ा एक आइलैंड टाइप से है, वहाँ पे जाते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। तो ये आपको एक क्वेश्चन तो हिस्ट्री का गुप्तकालीन है, दूसरी ताप्ती के दक्षिण में है, ये भी उसी का पार्ट पड़ जाएगा। ठीक है, पठारों को समझने के लिए हमने पहले पहाड़ियाँ और पर्वत श्रेणियाँ पढ़ी थी, अब उसके बाद पठारी भाग है। पठारी भाग को समझने के लिए हम इसको साधारण रूप से चार भागों में बांट सकते हैं, केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार और दक्कन का पठार। सबसे पहले केंद्रीय उच्च भूमि की बात करें तो इसको भी हम चार भागों में, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। पूर्वी पठार को छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन और दंडकारण्य का पठार। उत्तर पूर्वी पठार की बात करें तो इसमें एक ही आता है, मेघालय का पठार। और दक्कन के पठार की बात करें तो इसमें तीन आते हैं, दक्कन ट्रैक, कर्नाटक का पठार और आंध्र का पठार। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एक ही हिस्से की बात कर लेते हैं, उत्तरी पूर्वी पठार, क्योंकि उसमें सिर्फ एकमात्र पठार है, वो है मेघालय का पठार। देखिए ये मेघालय मतलब शिलांग, यहाँ पे मेघालय जो गारो, खासी, जयंती तीन पर्वत श्रेणियों से मिलके, मेघालय जो है पर्वत क्षेत्र नहीं है, पठारी क्षेत्र है और ये छोटा नागपुर का ही अग्रिम हिस्सा है। ठीक है, तो ये मेघालय का पठार है, शिलांग नगर जो शहर जो है वो भी यहीं बसा हुआ है, तो इसे कहते हैं हम इसका पठार, मेघालय का पठार। ज़्यादातर बारिश का क्षेत्र है, मैंने आपको गारो खासी जयंती की विशेषता बताई थी, कीपाकार ऐसी आकृति है, तो बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को रोक लेती है, तो वर्ष की सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र भी ये शिलांग का पठारी है। तो क्योंकि ये एक ही है, उत्तर पूर्वी, उत्तर और पूर्व पठार पूरी तरह, ना तो उत्तर है ना पूरी तरह पूर्व है, पूर्व में तो अपने ये आते हैं उड़ीसा वाला पश्चिम, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एकमात्र जो पठार है वो है हमारा मेघालय का पठार। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको कह ही रही हूँ कि वो छोटा नागपुर के पठार का ही भाग है, इसलिए हमें उसे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि छोटा नागपुर का पठार वैसे भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके ये अलग किसकी वजह, ये छोटा नागपुर का पठारी भाग था, लेकिन ये हमारे छोटा राजमहल गारो गैप, अगर आपने सुना हो, यहाँ पे इन दोनों के बीच में राजमहल गारो गैप या मालदा गैप के माध्यम से ये क्या हो गया, अलग हो गया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि राजमहल गैप या मालदा गैप क्या है, तो अगर मैं इसकी बात करूं कि गैप है क्या, देखिए जब प्रायद्वीपीय भारत ये वाला हिस्सा जो था इसका जब संचलन हो रहा था, मैंने आपको पहले कहा था कि संचलन मतलब उत्तर की ओर प्रवाहित, जब गोंडवाना नेट का उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा था, तो ये वाला हिस्सा प्राप्त उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग का जब आपस में टक्कर हुई तो एक हिस्सा नीचे धंसा, तो उस धसाव के कारण ही इस संचलन, भारत के संचलन के द्वारा धसाव प्रक्रिया हुई, और धसाव प्रक्रिया के कारण ये हिस्से तो ऊपर रह गए और ये हिस्सा क्या हो गया, नीचे चला गया, गैप बन गया, दोनों के बीच में टुकड़ा निर्मित कर दिया, और इसी कारण इसमें इसको राजमहल गैप या मेघालय गैप या दूसरा नाम गारो गैप, तो इसका पूरा नाम है राजमहल, राजमहल वाला हिस्सा और गारो वाला हिस्सा, गारो खासी जयंती, तो यहाँ सबसे पहले गारो पर्वत है, फिर खासी है, फिर जयंती है,
तो यहाँ राजमहल की पहाड़ी और गारो पहाड़ी, इन दोनों के बीच का हिस्सा जो दब गया, धस गया, उसको नाम रखा गया राजमहल गारो गैप। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मालदा गैप इसे पश्चिमी बंगाल में कहते हैं। देखिए मालदा जो है गैप रखा, नाम रखा गया, ये रखा है पश्चिमी बंगाल में। और सामान्य रूप से इसको किस नाम से जाना जाता है, राजमहल की पहाड़ी और गारो की पहाड़ी के बीच का जो दसावीय हिस्सा है उसको राजमहल गैप, और पश्चिमी बंगाल में किस नाम से, मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके के अकॉर्डिंग भी, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग भी। किस कारण हुआ है, प्रायद्वीपीय भारत के संचलन के दौरान, ध्यान रखिएगा किसके कारण हुआ है। और गंगा, यहाँ से मैंने आपको बताया था गंगा नदी आती है अपने संग मलबा लेके आएगी, उसमें बढ़ती है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, उस मलबे ने इस गड्ढे को भर दिया है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र, मैंने गंगा नदी भी क्या बताया, अग्रगर्त बताया था, जिसको शिवालिक से आने वाली नदियों ने अपने संग जो मलबा लेके आई थी भर दिया और उसको समतल भूमि में बदल दिया। उसी तरह गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के जो मलबा आया उसने इस गैप को क्या कर दिया है, भर दिया है, अवसादों से भर दिया है, डेल्टा का निर्माण हो गया है। इसमें ज्यादातर जो मिट्टी मिलती है वो मिलती है पीट मिट्टी। अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूँ, ये है गैप वाला, तो ये यहाँ पे डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का, और मिट्टी कौन सी मिलती है, पीट मिट्टी। और अगर वनस्पति की बात करूँ इसमें, तो इसमें मैंग्रोव वनस्पति, विशेष रूप से मैंग्रोव वनस्पति, ऐसी वनस्पति जो समुद्र के खारे जल में भी बहुत तेजी से बढ़ती है और ये वर्तमान में बहुत महंगी बिकती है, क्योंकि आजकल इससे फर्नीचर खूबसूरत जो आपके कार्विंग करके उसको मार्केट में बेचा जाता है। तो क्योंकि पानी में गलती नहीं, खराब नहीं होती, महत्वपूर्ण है, ऐसे घूम घूम के इसकी शाखाएं जो है पानी में ऐसे घूम घूम के बैठ जाती, कई बार इसमें फंस भी जाते हैं जानवर वगैरह इंसान। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, मिट्टी डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण करती है, पीट मिट्टी, और गैप है। छोटा नागपुर का शिलांग का पठार एक था, लेकिन गैप के कारण, बसाव के कारण ये हिस्सा दोनों अलग हो गए, इसीलिए मैंने कहा था ये छोटे नागपुर का पठार का ही आगे का भाग है। तो ये हो गया हमारा कौन सा पठार, शिलांग का पठार, या जिसको हम कहेंगे उत्तर पूर्वी या मेघालय का पठार। एक पार्ट तो हमारा ये कम्प्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं केंद्रीय उच्चभूमि, केंद्र में जो ऊंचा उठा हुआ, ये क्या है भारत का केंद्र, समझ लीजिए केंद्र में बीच का हिस्सा जो ऊंचा उठा, मैदान से ऊंचा है वो ऊंचा, ऊंची भाग उठा है, तो इसमें मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार, हमारे तीन इंपॉर्टेंट पठार ये क्षेत्र आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मालवा का पठार। अरावली श्रृंखला मैं आपको बताई चुकी थी, अगर मैं इसमें पर्वत श्रृंखला भी ऐड करूं तो अरावली इसी में आएगी, विंध्याचल इसी में आएगी और सतपुड़ा इसी में आएगी, वो इसकी पार्ट है। लेकिन हम पर्वत श्रृंखला पहले पढ़ चुके हैं, तो हम सिर्फ पढ़ना पड़ेंगे मेवाड़ को। अरावली यहाँ से ये अरावली जा रही है, ठीक है, तो अरावली से यहाँ मेवाड़ का पठार, अरावली इसको अलग करता है, ठीक है, मेवाड़ का। और ये जो मालवा का पठार है ये भी किससे बना हुआ है, लावा, लावा से बना हुआ है, तो काली मिट्टी पाई जाएगी ओबियसली, और काली मिट्टी जाएगी तो कपास बहुत अच्छा होगा, इसमें कपास की के कारण यहाँ पे, इसके अलावा आप दलहन बहुत अच्छी होती है अगर इसकी बात करें। तो अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूँ तो मेवाड़ का पठार का जो विस्तार है, मेवाड़ पहला है अपना मेवाड़ का पठार, इसका जो विस्तार है राजस्थान और एमपी दोनों में, ये एमपी वाला हिस्सा भी तो लग रहा है, ठीक है, तो राजस्थान और एमपी वाले हिस्से में ये आ जाता है हमारा। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो अरावली से निकलने जो बनास नदी का क्षेत्र है वो ये हिस्सा कवर करता है, बनास नदी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर कोई सी है बनास, और राजस्थान में पूरी तरह प्रवाहित होने वाली नदी भी कौन सी है, बनास। देखिए चंबल राजस्थान में बहती है लेकिन पूरी तरह नहीं, पूरी तरह बनास बहती है, तो बनास का अपवा क्षेत्र जो है वो मेवाड़ का पठार है, इसी से लगता हुआ हमारा है मालवा का पठार। देखिए मैंने लिखा हुआ है मालवा का पठार, मध्य प्रदेश में पड़ता है, राजस्थान में भी पड़ता है, कौन सा कोटा वाला हिस्सा है ना, झालावाड़ कोटा बारा बूंदी वाला खाड़ौती का पठार जिसे कहेंगे, वो वाला क्षेत्र यहाँ हमारा लगता है, तो मालवा का पठार कहलाता है। इसको राजस्थान की बात कहेंगे तो राजस्थान में इसी को क्या कहते हैं, खाड़ौती, दोनों नाम। अब इसी का विस्तार विंध्याचल, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत अपना था जो मैं आपको बता चुकी हूँ, विंध्याचल पर्वत है, उत्तर में ग्वालियर, ग्वालियर वाला क्षेत्र आपका पड़ जाएगा, यहाँ पे ये वाला क्षेत्र ग्वालियर का है, बुंदेलखंड और बघेलखंड, बुंदेलखंड और बघेलखंड की सीमा बनाता है ये, बना रहा मालवा का पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड की सीमा का निर्धारण, देखिए टच है,
ऐसा नहीं कि अलग से मैंने बना दिया हो। और पश्चिम में मेवाड़, पश्चिम में राजस्थान वाला क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ वाला मेवाड़ वाला क्षेत्र आ जाएगा इसमें, इसको टच करता है। तो दोनों के बीच में बुंदेलखंड और बुंदेलखंड और मेवाड़ के बीच में मालवा का पठार हमारा पड़ता है। अगर बात करें पेसाल चट्टानों के अपक्षय से बना, काली मिट्टी मिलती है, मैंने पहले कहा था काली मिट्टी का क्षेत्र है यहाँ पे। और प्रमुख नदियों की बात करें तो चंबल, नर्मदा, ताप्ती वाला क्षेत्र थोड़ा नीचे ले लेंगे उसका। अब इसमें मैंने जब चंबल वो नदी बोली है तो चंबल नदी अपने आप में एक कैसी उत्कात भूमि या जिसको अपन कहते हैं बीहड़ खड्ड बनाती है, मतलब बड़े भूमि जब बहती है तो कटाव बहुत पड़ती है। तो अवनलिका अपरदन अधिक होने के कारण इसमें क्या पाए जाते हैं, खड्ड पाए जाते हैं। तो इसको उत्कात भूमि क्षेत्र भी कहते हैं, भूमि क्षेत्र। इसको चंबल, बीहड़, रेवाइंस इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला अपना जो विकास की बात करें तो बीहड़ जरूर याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी नदी बनाते हैं, बुंदेलखंड का पठार। ग्वालियर, ग्वालियर वाला हिस्सा, ग्वालियर भी पठारी क्षेत्र में, ग्वालियर के हिस्से से लेके विंध्याचल श्रेणी के बीच में एमपी वाला क्षेत्र की तरफ। और उत्तर प्रदेश देखिए एमपी में भी पड़ता है बुंदेलखंड, और आपका एमपी यूपी में भी पड़ता है। तो यूपी का तो अगर आप बात करें यूपी के कौन कौन से क्षेत्र में, अगर आप कहेंगे बुंदेलखंड के लिए तो मैं आपको क्षेत्र बताऊँ, एक तो झांसी यूपी का है, हमीरपुर, ललितपुर और चित्रकूट, जालौन, ये कुछ क्षेत्र हैं। बांदा, एक और है महोबा, ये तो हो गए हमारे सारे यूपी के। अगर मैं बात करूं इसमें एमपी के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो एमपी के आपके देखिए आपके क्षेत्र के पास ही है दतिया, दतिया में देवी पीताम्बरा देवी आपकी देवी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर और विदिशा, ये तो हो गए अपने एमपी के। तो इनसे मिलके जो पठार बना है वो कौन सा है हमारा, बुंदेलखंड का पठार है। यहाँ पे अगर चट्टान की बात करें बुंदेलखंड में तो ग्रेनाइट और नीस चट्टानें पाई जाती है विशेष रूप से इस क्षेत्र की। वह ग्रेनाइट और नीस मिलती हैं, अपक्षय और अपरदन होने के कारण ग्रेनाइट और नीस का जब अपक्षय अपरवर्तन होगा अपरदन, तो इससे कौन सी मिट्टी बनेगी, लाल मिट्टी। तो देखिए जैसे मैंने आपको शिलांग के पठार में पीली मिट्टी का क्षेत्र गारो गैप में बताया था, तो यहाँ पे आपकी कौन सी मिट्टी मिलेगी, लाल मिट्टी का क्षेत्र मिलेगा। उत्खात भूमि बहुत है, यहाँ से भी चंबल वाला क्षेत्र और दतिया वाला घूमना है, उत्खात भूमि है, बीहड़ भूमि है, तो यहाँ ज़्यादा उपज अच्छी नहीं होती, बेकार भूमि का क्षेत्र एक तरीके से देखें तो ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। यमुना कार्य करती है लेकिन छत्तीसगढ़ की सीमा पे बघेल, और इसी के साथ आ जाते हैं अपना बघेलखंड का। तो बघेलखंड जो प्रॉपर हमारा हिस्सा पड़ता है वो पड़ता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिमी भाग में बघेलखंड वाली।